my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? वेलकम बैक टू माई चैनल. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. आई नो दिवाली बहुत ही जल्द आने वाली है. मैंने जो है ये क्रिएट किया है बहुत ही ईजी सा दिवाली मेकअप लुक जो कि हर एक आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा. मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है इस पूरे मेकअप लुक को अचीव करने के लिए और बहुत ही ईजी टेक्निक्स यूज़ किए हैं. आई होप यू विल लर्न एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी वेरी ईजी. और या गाइस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आप लोग मिस ना कर सको मेरी फ्यूचर अपलोड्स. अब हम क्विकली देख लेते हैं हम इस ईजी से मेकअप लुक को अचीव करने का तरीका. मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर लगा रही हूँ. ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है लैक्मे कंसीलर. तो ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ मैं दिवाली पे पर्सनली बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग एंड मेकअप पे उतना ध्यान नहीं जा पाता जितना आउटफिट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ड्रेस एंड आउटफिट मैटर्स मोर देन योर मेकअप. बट थोड़ा बहुत मेकअप तो ज़रूरी है. सो नाउ माई बेस इज कम्प्लीटली रेडी एंड मैं क्विकली जो है अब अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी. एंड फॉर कॉन्टोरिंग आप सबको पता ही है मेरा फेवरेट है नीका के डियो एंड दिस वन इज़ 008. और इसके लिए जो है मैं ले रही हूँ इस तरह का एक ब्रश. ये नॉर्मल पाउडर ब्रश है, आप कोई भी ब्रश ले सकते हो कॉन्टोर करने के लिए. बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अगेन बहुत ही लाइट हैंडेड तरीके से मैं कर रही हूँ इसको अप्लाई यहाँ पर. Similarly, I will do on the other side as well. So you can see, I have contoured my face. मैं ले रही हूँ अपना ब्लश जो कि है Maybelline Color Show का ब्लश जिसका शेड है पीची स्वीटी. और ये बहुत ही नेचुरल पिंकिश सॉर्ट ऑफ जो है ब्लश है, मुझे बहुत पसंद है. मैंने ये जो है ब्रश ले लिया इस तरह का. आप देख सकते हो कितना नेचुरल लगता है ये. और आई थिंक मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया है बट कोई बात नहीं, उसको हम आफ्टरवर्ड्स ठीक कर सकते हैं. जो है मैं ऑलरेडी कंसीलर लगा चुकी थी जो मैंने फेस पे लगाया था आईलिड्स पे भी, बट मैं थोड़ा सा और लगाऊंगी ताकि एक प्रॉपर बेस मिल सके. उसके लिए मैं ले रही हूँ एसेंस ऑल डे 16 आवर्स स्टे कंसीलर. अच्छे से मैं इसको जो है अप्लाई कर लूँगी अपनी आईलिड्स पे. इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी ब्रश मैं अपनी फिंगर्स से ही जो है इसको ब्लेंड करूंगी ताकि मैक्सिमम जो है मुझे कवरेज मिल सके. अगर आपकी आईलिड्स जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आप अपना जो नॉर्मल फाउंडेशन ब्रश है उसके वो जो है उसकी मदद से आप जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लेके डैबिंग मोशन में कर सकते हो. बट मैं जो है ऑलरेडी जो लेफ्ट आउट फाउंडेशन है मेरे ब्रश पे मैं उसी को यूज़ करके डैबिंग मोशन कर रही हूँ ताकि अच्छे से जो है ये सेटल हो जाए और ग्रीसी या ऑयली ना लगे. अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने सोची है वो ये है कि मैं लूँगी एक ब्राउन आई शैडो. ब्राउन आई शैडो आई एम श्योर मोस्ट लोगों के पास होगा और अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर कॉन्टोरिंग पाउडर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. अब जो है मैं इस तरह का जो है ब्रश ले लूँगी एक, आप कोई भी आई शैडो ब्रश ले सकते हो. और मैं डार्क शेड जो है इसको लूँगी और हल्का सा लाइट शेड भी लूँगी इसमें अपने कॉन्टोर ड्यू में से ही.
ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पर जो है मैं इसको ब्राउन शेडो को जो है अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड और यहाँ तक, बिल्कुल कॉर्नर तक आपको जो है लेकर जाना है. मेन फोकस आउटर कॉर्नर्स पर रखना है और लाइट हैंडेड तरीके से आपको अंदर तक जाना है. थोड़ा सा और डार्क करना है तो मैं थोड़ा सा और लूंगी. आउटर कॉर्नर्स पे फोकस करते हुए अंदर तक जाना है, लाइक दैट. एज यू कैन सी, मैंने फाइनली जो है पूरा इंटेंसिफाई, जितना मेरे को अच्छा लग रहा था उस लेवल के हिसाब से मैंने जो है इसको बिल्ट अप कर लिया है. अब हमें लेना है कोई भी गोल्डन आई शेडो या फिर गोल्डन लाइनर जो होते हैं, आई लाइनर्स, आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपके पास है. स्टे क्वर्की के जो आई लाइनर्स है उसमें बैडास गोल्डन, जो बैडास गोल्डन कलर है आप उसको भी ले सकते हो. मेरे पास ये है जो कि गोल्डन कलर में है. या फिर आप वेट एंड वाइल्ड के जो हैं इस तरह के शेडोज ले सकते हैं जो कि क्रीम शेडोज होते हैं. दिस शेड इज ब्रास, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो. बहुत ही जेंटली जो है हमें लगाना है बॉर्डर्स पर और आईज बिल्कुल क्लोज रखनी है, बिल्कुल भी ओपन नहीं करनी है या मूव नहीं करनी है. दोबारा से लेना है एंड हमें अप्लाई करना है पूरी अपनी आईलिड्स पे. ओके गाइज, आई हैव अप्लाइड द गोल्डन आईलाइनर ऑन बोथ द आईलिड्स. जब तक वो ड्राई होता है, जब तक मैं लेने वाली हूँ अपना नेक्स्ट फॉक्स वाइट वाइट लाइनर और उसको लगाऊंगी अपने लोअर वाटर लाइन पर. कोई भी लाइनर ले सकते हो, कोई भी काजल ले सकते हो. मैं ले रही हूँ मेबेलिन आई स्टूडियो का जेल आई लाइनर और उसको मैं अप्लाई कर लूंगी नॉर्मल अपने आई लाइनर की तरह. सो गाइज, मैंने लाइनर दोनों ही आईज पे लगा लिया है. अब अगर आपके पास जो है कोई आईब्राउ पेंसिल है तो आप उसकी मदद से जो है अपनी आईब्राउज को शेप कर सकते हो. मैं पर्सनली नहीं करती हूँ, ऑप्शनल है, बट मैं कभी मैं जो है लगाना सोच रही हूँ. आई थिंक दैट विल लुक मोर नाइस. तो नॉर्मल वही आई शेडो ब्रश लेना है और लोअर आउटर कॉर्नर्स पे आपको जो है हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेना है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट हैंड तरीके से. And the last step is to apply a mascara. And आज मैं जो mascara use कर रही हूँ वो है Maybelline Colossal Big Shot Waterproof Mascara. Mascara भी लगा लिया है. If you want आप जो है fake lashes भी लगा सकते हो, but I personally don't like false lashes. बहुत ही ओकेजनली मैं उनको वेयर करती हूँ. अब हमारा लास्ट पार्ट जो रह गया वो है अपने लिप्स. है नायका लिपस्टोन लाइन लाइनर जो कि है शेड नंबर रॉकर चिक. और दूसरी चीज़ जो है मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो है शुगर कॉस्मेटिक्स की स्मज मी नॉट रीथिंक पिंक. तो सबसे पहले हम लाइन कर लेते हैं अपने लिप्स को. ओके गाइज, माय मेकअप इज डन. अब मैंने जो है ऑलरेडी इयररिंग्स पहने हुए हैं जो कि मैंने खरीदे हैं मोमेंट्स मॉल से. दीज आर ओनली फॉर ₹200 एंड आई जस्ट लव देम. ये जो है इस तरह से है, पीछे आके जो इनको लॉक कर सकते हैं. मेरे हेयर्स जो हैं अभी वेट हैं, मैं इनको जो है नॉर्मल कोम कर लूँगी. मैं कोई स्ट्रेटनिंग या कोई भी कर्ल करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ बिकॉज फेस्टिवल्स पे आई डोंट थिंक इतना टाइम होता है किसी के पास. बट इफ़ यू वांट यू कैन कर्ल योर हेयर, यू कैन स्ट्रेटन अप योर हेयर या फिर आप कोई हेयर स्टाइल भी कर सकते हो. मैं जो है कैजुअली ओपन रखती हूँ अपने हेयर्स को दिवाली पर. सो या दैट इज़ मी. मेरे को बहुत आलस आता है हेयर स्टाइल वगैरह करने में. Past my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different.